हाँ प्यारे बच्चों, त्योहार में अपन देख रहे थे, त्योहार में नेक्स्ट अपन देखते हैं महीना श्रावण। ठीक है, श्रावण बारिश का महीना हो गया। ठीक है, और जुलाई अगस्त ऑलमोस्ट कवर करता है, जुलाई अगस्त। ठीक है, श्रावण जुलाई और अगस्त है ना, तो श्रावण जैसे जो है जुलाई अगस्त तो कवर किया है। साथ में अपन देखते हैं कि ये टाइम होता है बारिश का। ठीक है, बारिश बारिश होती रहती है, श्रावण जाना ही जाता है बारिश के लिए। ठीक है, तो इसमें अपन को देखो थोड़ा सा क्लू में आपको बता देता हूं कि वत्स है ना, वत्स वत्स क्या होता है, अपन बालक को बोलते हैं बालक, वत्स है ना, वत्स तथास्तु वत्स बालक है ना, नाग वत्स बारिश का समय है। देखो वत्स है ना नाग से है ना, नाग नाग से डरो है ना, डरो। ठीक है, नाग से डरो, नाग से डरो, नेवले से डरो, और खास तौर पर जब हरियाली में आप कहीं जाओ ना तो ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो वत्स वत्स नाग डर, डरना है ना, वत्स नाग से डरना है, और नेवले को अपने साथ में रखना है। नाग भाई, नेवला और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है, नाग कहता है मैं नेवले को खा जाऊं, नेवला कहता है मैं नाग को खा जाऊं, तो अपने को डरने की बात कोई नहीं है क्योंकि नेवला अपने साथ है। भाई वत्स नाग से डरो, भाई वत्स तुम नाग से डरो। तो वत्स ने बोला कि जी नहीं, मैं तो निडर हूं, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ नेवला है, हैं, और हरियाली में भी मैं जा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई हरियाली में जैसे पेड़ वेड़ के अंदर पास में जाते हैं तो होता है ना कि यार सांप वाप का ध्यान रखना कहीं आ नहीं जाए, बारिश में खास तौर पे, क्योंकि बिल में पानी बढ़ जाता है कि नहीं, तो सांप बाहर निकलता है ऐसे। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा आपने को, वत्स है ना, वत्स नाग से डरो। वत्स ने बोला नहीं, मैं तो नहीं डरूं जी, क्योंकि मेरे पास तो नेवला है ऐसे, और नेवला तो है ही है, और फिर मैं हरियाली में भी जाने से मेरे को कोई खतरा नहीं है। तो ये तो हो जाएगा देखो यूं सीधा सीधा फर्स्ट त्योहार का नाम। अब लेकिन आगे इनके है तिथि, तो तिथि तो मेरे प्यारे बच्चों देखो उस पहाड़े से याद होंगी। वस चतुर्थी नाग पंचमी, नाग पंचमी तो याद रहता ही है, वस चतुर्थी नाग पंचमी, फिर आएगा निडर, निडर नवमी, नेवला नवमी, हरियाली अमावस्या, ऐसे। तो पहाड़ा याद होगा ना, तो ये याद हो जाएंगे। तो क्लू से तो फ्लो में तो ये याद हो जाएगा, वत्स डर नहीं 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 मतलब वत्स नाग डर नहीं, निडर नेवला और अपने हरियाली अमावस्या। ठीक है, तो एक बार सुपर क्लू में देख लेते हैं। तो वत्स तो देखो हो जाएगा चतुर्थी, नाग पंचमी, घरों पे आते ही वो बीन लेके आ ही जाते हैं, अब जी नाग दिखाते हैं फिर अब पैसे दो। ठीक है, नाग पंचमी, निडर नवमी है ना, लीडर जो है लीडर नवमी, नेवला नवमी, निडर नवमी, नेवला नवमी और हरियाली अमावस्या, ऐसे सुपर क्लू में बता रहा हूं, बाकी तो अपन वो देखेंगे मेन फाइल। फिर इधर देखते हैं अपन, ये सिंजारा दूज आ जाएगी, जैसे अपने चैत्र में पढ़ा था सिंजारा दूज। ठीक है, तृतीया तीज आ जाएगी अपने, तीज तीज तृतीया। ठीक है, ग्यारस कौन सी आ जाएगी, पवित्र अर्पण ग्यारस। पंद्रह में पूर्णिमा आ जाएगी, तो एक तो रक्षाबंधन आएगा, फिर अपने श्रवण श्रवण कुमार की पूजा होती है, श्रवण पूर्णिमा आएगी, और तेजा जी और गुगा जी के जो पशु मेले होते हैं ये इनकी शुरुआत होती है, तेजा पशु मेला और गुगा पशु मेला, दोनों लिख लो यहाँ पे है ना। ये सुपर माइक्रो के रूप में था, अब अपन आते हैं मेन फाइल पे, अपनी मेन फाइल में आपको दिखाता हूँ है ना, मेन वो है, ये तो सुपर माइक्रो थे, इसमें वापस लौटेंगे अभी है ना। ये अपनी मेन फाइल है त्योहार में श्रावण की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था अपने कृष्ण पक्ष में अपन जैसे देखेंगे तो सबसे पहले आएगा वत्स चतुर्थी। ठीक है, तो इस दिन क्या गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। ठीक है, तो वत्स मतलब जैसे जिस तरह बछड़े की पूजा करें तो उस तरह से भी संतान की भी अपनी रक्षा होगी, तो वत्स चतुर्थी हो गया। पंचमी में नाग पंचमी है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, बस पाड़ा याद है नाग पंचमी, तो श्रावण के अंदर ही नाग है, वत्स नाग। नौ में है निडरी नवमी, और इसी दिन नेवले की पूजा होती है निडरी नवमी, तो मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं निडर हूं क्योंकि मेरे पास सांप का दुश्मन नेवला मेरे साथ है, नाग पंचमी नेवला नवमी। ठीक है, फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाली अमावस्या है ना, श्रावण बारिश नागवा की बात चली रही है तो हरियाली अमावस्या ही आ गई। अब हरियाली अमावस्या इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्योंकि एक तो चीज ये देखो श्रावण का है ना, श्रावण श्रावण में आती है बिल्कुल बिल्कुल मिड में, अमावस्या पे महीना आधा हो जाता है ना, पक्ष खत्म हो जाता है, अमावस्या आधा हो गया, कृष्ण पक्ष खत्म, शुक्ल पक्ष चालू, ये अमावस्या है जिसको अपन बोलते हैं न्यू मून। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो हरियाली अमावस्या पूछते हैं कब है, कब आती है, तो ये होगी अपने श्रावण अमावस्या को। ठीक है, अब क्या इस दिन कई जगह मेले भरते हैं, वो मेले बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेलों की यहाँ पे लिस्ट है देखो। ठीक है, ये मेलों की लिस्ट है ऐसे। ठीक है, ये छवों मतलब मेले तो यहाँ तक हैं, मेले तो तीन ही है इसमें, कल्पवृक्ष अपने हो जाएगा, अजमेर गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़, ये विजयनगर गंगानगर,
और एक फतेह सागर झील, बाकी ये तो दो तो कॉन्सेप्ट है, पिट्ठोरी उचकनी और एक बिजोलिया किसान आंदोलन, ये भी मैप पे देखेंगे। तो एक बार ये जो है ना हरियाली अमावस्या, इसका मैप दिखा देता हूं आपको। तो देखो ये बैसाख का अपन ने देख लिया, तो मैं अगला मैप पर देखते हैं हरियाली अमावस्या का, है ना। हरियाली अमावस्या का ये मैप देख लो आप, ये लिखा हुआ हरियाली अमावस्या, इसको थोड़ा अपन जूम कर दें। हरियाली अमावस्या का मैप ये है ना, देखो लिखा हुआ ऊपर हरियाली अमावस्या, टोटल 5 साइट आएंगी इसमें, है ना। एक बुढ़ा जोड़ कट जाएगा, एक बड़े से देखो दिख रहा है, इतना तो मेरे साथ दिख रहा होगा, ये लो आओ। तो है ना हरियाली अमावस्या, तो इसमें अपन देखते हैं यहां से शुरू करते हैं क्लॉकवाइज। सबसे पहले ये गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ है अपने, कहा श्री गंगानगर के अंदर, विजयनगर श्री गंगानगर। दूसरा आएगा ये डिग्गी, ठीक है, डिग्गी टोंक। तीसरा ये फतेह है अपने, फतेह सागर झील उदयपुर। और दो ये बीच में आएंगे अपने, बिजोलिया किसान आंदोलन, उपरमाल किसान बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या पे हुई थी, ये पूछा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा। बिजोलिया है ना, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये बिजोलिया कहलाता है, ये बिजोलिया। तो 1917 में यहाँ अपने उपरमाल किसान बोर्ड की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, विजय सिंह पथिक भूप सिंह। बिजोलिया आंदोलन में काफी डिटेल में अपने देखा हुआ है, वीडियो है, काफी देख सकते हो आप उसमें चीजें, ठीक है। और ये अजमेर में अपने पीसागन है, वहां ये जंग है अपने, ठीक है, वहां ये कल्पवृक्ष जो फोटो लगी हुई थी अभी उधर देखेंगे, वहां मेला भरता है। तो ये है अपने मेन किसके, हरियाली अमावस्या के। तो देखो अभी याद कैसे रखना अपने को, ये याद कैसे होएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई क्लू कैसे देखा था अपन ने इधर, किस पक्ष में वत्स जो है, तो वत्स जो है नाग से तुम डरो, लेकिन वत्स तो मैं निडर हूं, मैं क्योंकि नेवला मेरे साथ है, हरियाली में जाने मेरे को दिक्कत नहीं है। तो इस वत्स को आगा कौन कर रहा था भाई, वत्स को कोई बता रहा था ना कि यार तुम नाग से डरो, लेकिन वत्स ने बोला मैं तो निडर हूं, नेवला मेरे साथ है, हरियाली में भी जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। तो वत्स को ये बोल कौन रहा था इतनी चीज कि यार तू डर नाग से, जवाब में बोला वत्स नहीं मैं तो निडर हूं। तो वत्स को बोला किसने, बिल्कुल सही पकड़ा, बोलने वाला चीची करने वाला तो बूढ़ा ही होता है, पिता बूढ़ा ही चीची करता रहता है, खुद को डर लगता है, जा नहीं जाता तो वो चीची करता रहता है बच्चों पे कि ये मत करो ये मत करो ये मत करो। तो वत्स की जो बात है, वत्स मतलब वही अपने आ जाएगा श्रावण, वत्स तो कहां था चतुर्थी थी, तो वत्स तो वो हो गया। और यहां अपन बात कर रहे हैं बूढ़ा जोड़ की हरियाली महोत्सव, तो वत्स से लिंक होएगा, मैं ये बता रहा हूँ ऐसे, है ना। बारिश में बच्चों को जाने से कौन डांटता है, दादा या नाना ही डांटते हैं, दादी या नानी बोल दो, ऐसे बारिश में जाओ बारिश में जाओ, ऐसे वत्स बस बारिश में जाओ श्रावण में जाओ भीग जाओगे। तो ये बूढ़ा है, ठीक है, वत्स बूढ़ा आ गया ये। फिर ये अपन देखते हैं डिग्गी, डिग्गी बारिश देख रहे हैं अपन। तो डिग्गी क्या होता है, छोटे तालाब को भी कई जगह डिग्गी बोला जाता है, खासतौर पर अपने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में डिग्गी। तो डिग्गी से क्या हो गया, पानी से डिग्गियां भर गई, है ना, डिग्गियां भर गई ऐसे, ठीक है। और बारिश अच्छी हो जाए तो फतेह ही फतेह है जी, है, पानी की डिग्गियां भर गई, बुड्ढे ने बाहर नहीं जाने दिया, बुड्ढे आज से बारिश अच्छी हुई डिग्गी भर गई, और डिग्गियां जब भर जाए तो भाई फतेह ही फतेह है, कोई दिक्कत ही नहीं है, है कि नहीं है, फतेह ही फतेह। तो आप करो बिजोलिया में ऊपर माल बोर्ड का गठन, बिजोलिया में किसान आंदोलन था जी, क्या बात करते हो, है कि नहीं है। तो किसान आंदोलन की भी फतेह ही है, डिग्गियां भर गई भी पानी से, बूढ़े ने तो बाहर नहीं जाने दिया लेकिन बूढ़े के आशीर्वाद से डिग्गियां भर गई, फतेह ही फतेह है। आप तो बिजोलिया किसान आंदोलन की भी क्या है, उपरमाल किसान बोर्ड की भी फतेह ही फतेह है, टेंशन ही मत करो। और कल्पवृक्ष क्या होता है, कल्पवृक्ष मतलब वो जिस जो कभी किसी को उसका अंत नहीं होगा, और वो उसके आसपास आप बैठे तो आप और उन्नतिशील करोगे, उन्नति पाओगे, उन्नतिशील होगे हमेशा जीवन में, ये है कल्पवृक्ष। तो जी बताओ क्यों नहीं होएगा, कल्पवृक्ष से उन्नति क्यों नहीं होगी, फतेह ही फतेह है, डिग्गियां भर गई बुड्ढे के आशीर्वाद से, पानी से इतना पानी इतना आया कि क्या बताएं, बुड्ढे ने बस को तो नहीं जाने दिया, नाग से डरो और वो ऐसे उसको डरा दिया, लेकिन बस मैं निडर रहूंगा, मैं जाऊंगा, मैं तो हरियाली के अंदर क्या दिक्कत है। तो बुड्ढे के लेकिन आशीर्वाद से क्या हुआ, डिग्गियां भर गई पानी की, तो फतेह ही फतेह, फतेह ही बोल दो, फतेह हो गई किसकी, अपने बिजोलिया उपरमाल किसान बोर्ड की, और कल्पवृक्ष भी वो फतेह का ही क्या है, पर्यायवाची है। तो ऐसे हो गया अपना सारा, क्या ये अपन ने क्या देखा, हरियाली अमावस्या देखी, ऐसे याद रखना अपने को। ओह ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये अपने हरियाली अमावस्या के साइट्स थे जो अपन को मैप पे देखनी है। आज हम मेन फाइल में आते हैं, ठीक है। तो ये हरियाली अमावस्या के ये मेन मेन मेले हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन कैसे क्या है। हरियाली अमावस्या, ठीक है, श्रावण अमावस्या, सबसे पहले अपन मेला देखते हैं कल्पवृक्ष मेला, ये देख लो मांगलियावास
पीसागन अजमेर है ना, पीसागन अजमेर बिल्कुल, ये अजमेर से अपन जब नागौर में घुसते हैं तो बिल्कुल बॉर्डर पे है पीसागन, है ना, मंगलियावास पीसागन कल्पवृक्ष। जैसे उसमें बताऊंगे, जैसे अपने वैसे देखा था उस क्रम में, देखो सबसे पहले तो देख लो बूढ़ा जोगड़, देख लो बूढ़ा जोगड़ श्रीगंगानगर विजयनगर श्रीगंगानगर लिख लो, बूढ़ा बूढ़े ने टोका, फिर डिग्गी मैंने बताया था, डिग्गी है, डिग्गी डिग्गी मेला जो है ना वो एक क्वेश्चन के रूप में आएगा अपन को, डिग्गी जो कल्याण धनी का मेला है, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ, डिग्गी जो कल्याण धनी का मेला है वो इसी पे ही हरियाली महोत्सव पे वो मेलों में कहीं आ जाएगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब फतेह देख ली, सॉरी बुड्ढा देख लिया, डिग्गी कल्याण, डिग्गी भर गई कल्याण जी का मेला, ठीक है। इसमें नहीं लिखा, लिखा हुआ आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों में है वो। और फिर ये फतेह सागर आ गई, फतेह है, फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर, फतेह सागर, ठीक है ना, जिस झील के किनारे एक्वेरियम बना है, क्वेश्चन देखें एक्वेरियम मेन मेड एक्वेरियम फतेह सागर झील के किनारे। तो अपने क्या ये देख लिया फतेह सागर झील, फिर अपन ने देखा था कि भाई बिजोलिया, भाई बूढ़ा डिग्गी फतेह है बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो 1917 में देखो बिजोलिया किसान आंदोलन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी बेरीसाल में, ठीक है बेरीसाल, विजय सिंह पथिक बीएसपी, मतलब विजय सिंह पथिक के द्वारा मन्ना पटेल, टोटल 13 सदस्य थे अंदर, इसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल ये जो क्षेत्र है ना बिजोलिया वाला, इसको पहले उपरमाल नाम से जाना जाता था, और ये बेरीसाल के अंदर है विजय सिंह बीएसपी, मतलब विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो बूढ़ा जोगड़ आ गया, डिग्गी आ गई, ये हो गया आपने बिजोलिया किसान आंदोलन, बूढ़ा जोगड़ डिग्गी फतेह बिजोलिया किसान आंदोलन। अब एक बचा आपने कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष ये आ गया यहाँ पे, कल्पवृक्ष सबसे ऊपर, कल्पवृक्ष मेला का आपने मंगलियावास, मंगलियावास पीसागन अजमेर, अजमेर में ये पूछा जाता है कल्पवृक्ष मेला कहाँ, तो हरियाली अमावस्या हरियाली वृक्ष ही तो ही ऐसे। फिर दो ये कॉन्सेप्ट लिखे हुए बीच के अंदर, ठीक है ना, दो कॉन्सेप्ट इनको आप जैसे है ना आप सीक्वेंस से लिख लेना, सबसे पहले गुरुद्वारा बूढ़ा जोगड़ लिख लेना है, सेकंड नंबर पे ये लिख लेना आपने डिग्गी, डिग्गी कल्याण धनी टोंक मेला पड़ता है कल्याण जी का मेला, ठीक है। दो तीसरे नंबर पे लिख लेना आप ये फतेह, फतेह है ना, चौथे नंबर पे ये अपने आएगा ये बिजोला किसान आंदोलन, और पांचवें नंबर पे अपने ये कौन सा था, पांचवें नंबर पे कल्पवृक्ष वाला, ये पांच नंबर, दो ये कॉन्सेप्ट है ना, इनको छह और सात कर देना। छह नंबर पे तो क्या आएगा, पिट्ठोरी व्रत आएगा, पिट्ठोरी, पिट्ठोरी व्रत क्या, उन महिलाओं द्वारा किए जाते जिनकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, पिट्ठोरी ठोस हो गया है ना, कठोर हो गया, कठोर कठोर हो गया ईश्वर है ना, तो संतान बचे हमारी, अगली संतान जब जन्म ले तो वो बचे जीवित रहे, तो इसकी इसके लिए कौन सा व्रत क्या, पिट्ठोरी, पिट्ठोरी जिससे देवता ईश्वर भगवान कठोर नहीं हो, दया रखे मेरे प्रति। दूसरा है उच्चकणी, है ना, उच्चकणी या बांसा पूर्ण पर्व, बांसा उच्चकणी, बांसा झूण है, सॉरी बांसा पूर्ण नहीं, बांसा झूण पर्व किसानों द्वारा अच्छी बारिश के लिए, तो मैं बता रहा श्रावण भाई टाइम भी बारिश का है, तो उच्चकणी, उच्चकणी व्रत किया जाता है कि उच्चकणी व्रत किस उससे कि उच्चकणी पर्व या उच्चकणी व्रत किसानों द्वारा किस उससे कि श्रावण का महीना है, अच्छी बारिश हो, अच्छी बारिश होगी तभी हमारी फतेह, तभी डिग्गियां भरेंगी, तभी अपने बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन की फतेह निश्चित है, तो तभी कल्पवृक्ष फूलेगा, फले फूलेगा है ना, कब, जब उच्चकणी व्रत से इंद्र देवता खुश होकर अच्छी बारिश की हमें गारंटी, ठीक है ना। और पिट्ठोरी व्रत महिलाओं द्वारा हो गया, संतान जिनकी मर जाती है तो अगली संतान बचे जन्म के बाद वो ही करते, ठीक है, ऐसे ही अपना है। देखो सारा काफी इंटरेस्टिंग है चीजें, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो, ये कल्पवृक्ष अपने अजमेर है ना, तो ये काफी जैसे ये तो मैं तना तना बता रहा हूँ, तो तने की आप देख लो एक बार, तना देख के आप अंदाजा लगाओ कि वृक्ष क्या होगा, और काफी जैसे लंबे चौड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ, आप देखो गूगल पे एक बार फोटो देखो कल्पवृक्ष की, काफी कुछ और समझ में आएगा, अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो ये था आपने कृष्ण पक्ष, किसका, श्रावण का, यहाँ कृष्ण पक्ष खत्म हो जाता है, फिर श्रावण का अपन नेक्स्ट इधर देखते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है, श्रावण महीना। तो श्रावण महीने में सबसे पहले क्या आएगी, तीज आएगी, श्रावण महीने में पहले क्या आएगी, सब पहले दूज पढ़ रहे हैं अपन, तीज यहाँ आएगी, तीज से पहले अपन दूज पढ़ते हैं, दूज, तो दूज में अपन क्या पढ़ते हैं, सिंजारा दूज, कैसे बोलोगे इसको, सिंजारा दूज, यूं लिख लो सिंजारा दूज, ठीक है ना। तो जैसे सिंजारे में मैंने आपको पहले बताया था सारी चीजें वही है कि नवविवाहित महिला जो होती है ना, नवविवाहित महिला वो अपनी पहली तीज का पियर में पूछती है बिल्कुल गणगौर की तरह, ठीक है, ससुराल में नहीं पूछती पहली तीज का, अपने पियर के अंदर, तो जो सासू माँ है वो पियर ही कपड़े भेजती हैं अपनी बहू के लिए, ठीक है, बहू रानी के लिए, और वही कपड़े क्या अगले दिन वो तीज पे पहनेगी,
छोटी तीज जिसको बोलते हैं, लेकिन तीज पे पहनेगी। तो कपड़े भी एक दिन पहले भेजे, ठीक है, जिससे कि वहां सारा सार संभाल कर ले, उसको देख ले कर ले और जो पसंद आए वो पहन ले। और कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे सात साड़ियां भेजी जाती थी, है ना, मॉडर्न जमाना थोड़ा मॉडर्न हो गया, तो साड़ियों की संख्या कर दी चार और तीन कर दिए सलवार सूट। फिर बहुरानी थोड़ी और मॉडर्न आई सर्विस में, भाई ऑफिस जाना पड़ता है, मम्मी जी ऐसे क्या कर रही हो, तो मम्मी जी ने भी थोड़ी दया करी, मम्मी जी ने दो साड़ी कर दी, दो सलवार सूट कर दिए, तीन स्टॉप कर दिए। जमाना भी अपने जब तक अपन है तब तक तो इतना ही रहेगा, फिर देखेंगे, फिर और कुछ अपडेट कर देंगे इसके अंदर, लेकिन अभी तो सिस्टम यही है, दो साड़ियां, दो सलवार सूट, तीन जींस टॉप। बुरा मत मानो यार, सात साड़ियां मान लो तो उसमें क्या है, है? अपनी अपनी है, सासू माँ भी अपनी है और बहुरानी भी अपनी है, तो टेंशन किस बात की, बात है तो बस एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, जहां अंडरस्टैंडिंग है ना सब कुछ है। नहीं भी भेजोगी तो कोई टेंशन नहीं मेरे को, और साथ के जगह नो भी भेज दोगे तो मैं सहृदय स्वीकार कर लूंगी, ऐसा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बात चल रही थी सिंजारे पे, ठीक है, तो सिंजारा, सिंजारा दूज हो गया, ये सिंजारा होता क्या, सिंजारा क्या होता है, इसके लिए एक सेइंग प्रसिद्ध है, कहावत क्या, आज सिंजारा तड़का तीज छोड़िया ने लेगी तीज, है ना, आज सिंजारा तड़का मतलब तीर्थ को तीज आ जाएगी, आज सिंजारा तड़का तीज छोरिया ने लेगी तीज, छोरिया ने मतलब पियर में बैठी है ना बहुरानी, तो वो, और फिर तीज पे क्या, छोरिया वो खेलने में मस्त रहती है, झूला तीज पे झूला है कि नहीं, ये वो, फिर क्या है तीज सिंजारा को क्या है, नव विवाहिता अपनी पहली तीज पियर में मनाती है, इसलिए उसकी सास उसके लिए सिंजारा भेजती है, सिंजारे में सात ड्रेस और मिठाइयां होती है, घेवर होती है। फिर क्या है, अब तृतीया पे आ गए अपन, तृतीया पे अपन को क्या देखना है, एक तो पहले तो तीज देखना है, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे अपन, तीज तृतीया है, तीज मतलब तृतीया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है छोटी तीज जो उसके साथ लगाना है, भाई पहले छोटी तो आएगी, ये छोटी तीज, ठीक है, छोटी तीज के नीचे लिखा हुआ अपने SST, ये याद रखना अपन को क्लू, SST है ना, सोशल स्टडीज नहीं, SST, ऐसे क्या देखो, ऐसे तो एक तो है क्या है श्रावण, एक ऐसे, ऐसे क्या है शुक्ल, ठीक है ना, और एक ऐसे है तृतीया, SST, तो एक ऐसे है श्रावण, तो अपन एक ऐसे और लगा दो, मतलब स्मॉल, है ना, स्मॉल, एक ऐसे श्रावण, एक ऐसे शुक्ल और एक ऐसे स्मॉल, मतलब छोटी तीज, ये कब आती है अपने श्रावण, श्रावण में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देखो मैंने नीचे लिखा भी एस फॉर श्रावण, एस फॉर स्मॉल, और यही ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सी, छोटी तीज, ये क्वेश्चन मेरे पास तो बहुत आता है, है ना, कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, अभी इसकी बड़ी बहन आएगी, बड़ी तीज यहाँ, ये इस तरफ यहाँ अगले महीने में बाजवा में, बाजवा कृष्ण तृतीया है कि नहीं, तो छोटी तीज ये है, ज्यादा फेमस है, कब आती है अपने, बिल्कुल सही, श्रावण, श्रावण तो महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि, SST, श्रावण शुक्ल तृतीया, एस फॉर श्रावण शुक्ल तृतीया और एस फॉर स्मॉल तीज, ओके। और इसी के लिए कहा जाता है, जो मैंने आपको त्यौहार चालू किया था टॉपिक, तब मैंने पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था मैंने, ये बोला था तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी घनघोर, है ना, तीज बावड़ी का मतलब लेके आई। अब देखना यहां से त्योहारों की एक मतलब सीरीज ही चालू हो जाएगी, भादवों में से जो सबसे बड़ा महीना, सबसे पवित्र महीना है, तो देखेंगे अपन कैसे कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, कैसे गोगानम्मी आएगी, फिर उधर चलेंगे तो कैसे गणेश चतुर्थी आएगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो कैसे राधाअष्टमी आएगी, फिर गणेश जलजुलनी 11 आएगी शुक्ल पक्ष में, फिर गणेश जी का जो विसर्जन है अपने 14 जैसे जो है गणेश विसर्जन, वो अपन जैसे देखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये है, तो तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज यही पढ़ रहे हैं अपन, ये SST, और ले डूबी गणगौर वो चैत्र पक्ष वाले जो गणगौर अपन ने पढ़ी थी वो ले डूबी, ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, ये एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज का वर्णन करना है, कैसे तीज लेके आती है तुम्हारा बावड़ी मतलब लेके आई, और गणगौर कैसे लेके डूबती है, तो देखना है कि उसके बाद अपन को कोई त्यौहार नजर नहीं आता है चैत्र गणगौर के बाद, है ना, ये है। तो राजस्थान में क्या है, त्योहारों की शुरुआत हो जाता है, बावड़ी का मतलब शुरुआत, बावड़ी को स्टेप वेल नहीं बार बार कर रहा हूं, बावड़ जा, वापस आ जा, वापस देख ले वीडियो शुरू से, ठीक है। छोटी तीज, छोटी तीज को क्या अपन क्या बोलते हैं, श्रावणी तीज, मधु तीज, हिंडोला तीज, हिंडोला मतलब वो झूले, झूले का आनंद लिया जाता है छोरियों द्वारा, आया था ना जैसे आज सिंजारा तड़के तीज छोरिया ने लेगी तीज, ये हिंडोले में बिजी हो जाती है ना, हिंडोला तीज, लहरिया तीज, लहरिया साड़ी पहनी जाती है, प्रिंट है एक लहरिया, है ना, वो पत्नी अपने पति से जरूर मंगवाती है कि भाई मेरे को लहरिया तो ला दो, और खासतौर पर जयपुर का संगीत भी आप सुनना, लहरिया संगीत मतलब लहरिया पे गाने, और श्रृंगारिक तीज मतलब श्रृंगार किया जाता है इस तीज के ऊपर, 16 श्रृंगार पूरे,
ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जयपुर की, है ना, और यहाँ पे तीज माता की सवारी निकलती है, ठीक है। और ये जो तीज माता की सवारी जो जयपुर में निकलती है ना, ये बड़ी तीज पे नहीं निकलती, ये केवल छोटी तीज पे निकलती है, बड़ी तीज पे बूंदी में निकलती है, अभी अपन देखेंगे, है ना। तो छोटी तीज पे सवारी कहाँ निकलती है? जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ है? जयपुर की है, ठीक है। छोटी काशी जैसे अपन बोलते हैं, जयपुर हो गया, ठीक है। बड़ी तीज पे बूंदी में अपन देखेंगे, तो ऐसे याद रखना है अपन को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी तीज, श्रावणी तीज, मधु तीज, श्रृंगारिक तीज, हिंडोला तीज, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तीज कौन सी? SST, श्रावण शुक्ल तृतीया। बार बार बोलो SST, श्रावण शुक्ल तृतीया, 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 SST। याद हो जाएंगे, डर जाओगे। जयपुर का लहरिया फेमस है ना, ड्रेस होती है, साड़ी होती है, मतलब ड्रेस साड़ी होती है। फिर पति प्रेम का त्यौहार है ये, क्या कौन? अपने तीज, ठीक है। पति प्रेम का त्यौहार, पति अपने पति से मांगती है जी लहरिया मैंने ला दू, ठीक है। फिर पीपली गीत गाए जाते हैं दिन, खासतौर पर शेखावटी में, शेखावटी में तीज पर महिलाओं द्वारा पति के विरह में गाए जाने वाले गीत है पीपली गीत, ठीक है। पीपली गीत मतलब पति जैसे बाहर है, नहीं आ सका श्रावणी तीज के ऊपर, तो ये पीपली गीत गाए जाते हैं। प्रकृति प्रेम का त्यौहार है, बागों में झूले खाए जाते हैं, तो आपने देखा था हिंडोला तीज, ऐसे ही है। तो ये है तीज, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ना। फोटो ऑलमोस्ट जैसे भाई गणगौर की जैसे सवारी अपने देखी थी ना जयपुर में, चीज वैसी है, वैसी तीज माता की सवारी निकलती तालकटोरा तक, ऐसे हिंडोला तीज झूले खाते हुए। थोड़ा सा एक बार आप देखना श्रावणी तीज के कुछ इमेजेस वगैरह देख लो, तो और अच्छी फिट हो जाएंगे। ये हो गया, तो तीज ये हो गया, सिंजारा देख लिया, उसके बाद तीज देख ली। फिर अपन ग्यारस को देखते हैं, पवित्र अर्पण द्वादशी, ग्यारस, सॉरी इसको रिवर्स सही कर दो। ये जो द्वादशी ना, इसको काट के एकादशी कर देना आप, ग्यारस एकादशी, ठीक है। पवित्र अर्पण एकादशी है, द्वादशी नहीं है, ग्यारस ही है ये। और मीरा बाई का जो मेला है ना, ये 8 से लेके 13 तक बढ़ता है, लेकिन क्लाइमेक्स 11वीं को होता है, ठीक है। मीरा बाई का मेला या चारभुजा नाथ का मेला मेड़ता सिटी नागौर, ठीक है ना, मेड़ता सिटी नागौर, ठीक है, मेड़ता सिटी नागौर, जहां मीरा बाई का बचपन भी था, ठीक है। मेड़ता सिटी नागौर में दूधा जो इनके दादाजी थे, उन्होंने पालन पोषण किया। चारभुजा नाथ जैसे जो है, तो ये कृष्ण जी की ही मूर्ति को अपनी चारभुजा नाथ मूर्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये था पवित्र अर्पण एकादशी, मीराबाई मेला, चारभुजा नाथ मेला अपने मेड़ता सिटी, ठीक है। पवित्र अर्पण एकादशी, ठीक है, यहाँ आ गया। जेठ माह में गए थे तो यहीं पे एकादशी पर निर्जल एकादशी थी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एकादशी के बाद अपन आते हैं पुण्यु पे, है ना, श्रावण पुण्यु, बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार, कौन सा? रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रतीक का त्यौहार, भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्यौहार, है ना, रक्षाबंधन। और इसको कैसे बोलोगे आज से? रक्षा पुण्यु, जैसे अपने क्या देखा था, होली का दहन पुण्यु है, दुलंडी एकम, ठीक है। तो रक्षाबंधन को रक्षा पुण्यु, पुण्य का काम है बहन की रक्षा करना, या नारियल पूर्णिमा, क्योंकि बहन भाई के हाथ में नारियल देखे और उसकी पूजा करती है, राखी बांधती है, तो उसने नारियल पूर्णिमा। इसी दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता की सेवा के लिए, भक्ति के लिए जाने जाते हैं, और इसको सत्य पूर्णिमा भी बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना, सत्य सत्य हरिश्चंद्र, सत्य पूर्णिमा। फिर अमरनाथ में बर्फ से शिवलिंग का निर्माण पूर्ण हो जाता है, तो का निर्माण पूर्ण, अमरनाथ यात्रा का अंतिम दिन आता है, अंतिम दिन होता है रक्षाबंधन। और ये अमरनाथ यात्रा शुरू कब हुई थी, अपन ने देखा था कब? आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है, ये लिखा हुआ शुरू आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को, आषाढ़ शुक्ल नवमी को भल्ला नवमी, कुकी मैंने बताया था, कुकी का जन्म, और उसी से 5 दिन पहले मतलब आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को अमरनाथ यात्रा शुरू होती है ऐसे। और फिर अमरनाथ यात्रा खुरू खत्म कब होती है, वो त्रिकोण मैंने बनाया था, आपको याद है ऐसे, यूं ऐसे त्रिकोण। तो ये तो अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई क्या, आषाढ़ शुक्ल 4th को, और फिर खत्म कब हुई, खत्म ही आ गई कब, अपने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, ऐसे त्रिकोण बनाया था ऐसे याद रखो, ठीक है। तो शिवलिंग पूरा हो जाता, बन चुका होता है, तो अमरनाथ यात्रा यहाँ से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो रक्षाबंधन पे अपने क्या देखा, रक्षा पूर्ण हुए, एक तो एक श्रावण है, श्रवण कुमार की पूजा है, सत्य पूर्णिमा है, नारियल पूर्णिमा है, और एक अमरनाथ यात्रा की समाप्ति होती है, शिवलिंग पूर्ण हो जाता है। सत्य बोल रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सत्य पूर्णिमा नारियल ऐसे, ठीक है। और फिर इसी दिन अपन देखते हैं श्रावण पूर्णिमा पे क्या, तेजाजी पशु मेला होता है। तेजाजी पशु मेला कब से? श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से 20 है भादवा अमावस्या तक, तेजाजी पशु मेला है श्रावण पूर्णिमा से, पूर्णिमा से भादवा अमावस्या, अमावस्या मतलब
कृष्ण पक्ष पूरा हो जाएगा। तो कितने दिन हुआ ये 15 दिन हुआ, 15 दिन मात्र 15 दिन है ना, श्रावण पूर्णिमा से लेके श्रावण पूर्णिमा यहां आ गई और भादवा वापस कृष्ण पक्ष के एंड में आएगी, तो 15 दिन ही तो हुए। फिर इसी दिन होता है गोगाजी पशु मेला, कब से श्रावण पूर्णिमा शुरुआत तो वही है लेकिन खत्म क्या है, खत्म है भादवा पुण्यू पूरे एक महीने चला नहीं चला, तो सबसे लंबा चलने वाला अपने पशु मेला गोगाजी पशु मेला नोवर हनुमानगढ़, ऐसे याद रखना अपने को, ठीक है ना। तेजा जी सबसे नहीं है चलने वाला, सबसे अवधि तक लंबी तो 15 दिन ही चल रहा है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस्या तक 15 दिन ही तो हुए, लेकिन श्रावण पूर्णिमा से लेके भादवा पूर्णिमा तक पूरा एक महीना हो जाता है, तो उसमें है ये गोगाजी पशु मेला ऐसे हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो ये तीन पशु मेले हैं, तीनों के अपन को विशेषता ध्यान रखनी है। मल्लीनाथ जी वाला सबसे पुराना है जो बाड़मेर सबसे नीचे है, इसको जैसे मैप पे कैसे याद रखोगे, जैसे राजस्थान का मैप है यहाँ ये बाड़मेर है, बाड़मेर में तो मल्लीनाथ जी वाला है ये ओल्डेस्ट है सबसे पुराना, ठीक है। ऊपर जो अपन जैसे देखते हैं यहाँ ये अपने गुगा जी वाला आ गया हनुमानगढ़, ठीक है, तो ये सर्वाधिक लंबी अवधि वाला, इसकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। इन दोनों के बीच में अपने ये क्या, ये तेजाजी वाला पर्वत सर नागौर, ये क्या है, इसमें खरीद फोक्त सबसे ज्यादा होती है, मतलब एक तो आय और राजस्व की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा है अपने कौन सा, ये पर्वत सर नागौर वाला तेजाजी का, ठीक है ना। पशुओं की खरीद फोक्त सबसे ज्यादा, आय की दृष्टि से सबसे ज्यादा फेमस ये तेजाजी, सबसे पुराना, सबसे नीचे है, सबसे लंबा चलने वाला, सबसे ऊपर है और मुद्रा बीच के अंदर है, समझ गए। तो तेजाजी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस्या, गुगाजी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भादवा पूर्णिमा, बीपी लिखा हुआ ना SP to BP, श्रावण पूर्णिमा तो भादवा पूर्णिमा, और तेजाजी SP to BA, श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस्या, समझ गए, ऐसे ध्यान रखो। तो दो पशु मेले हो गए अपने श्रावण में, है ना। अब श्रावण में क्यों, क्योंकि श्रावण में मेले इसलिए बढ़ते हैं कि जिससे कि इनको जैसे चराने ले जा रहे हैं, मतलब दूर कहीं लेके जा रहे हैं, रेवड़ जा रहा है पूरा, पशु जा रहे हैं, तो घास फूस छोटी मोटी हर जगह उग जाती है, तो उसको ये खा के आगे लंबी यात्रा तय कर लेते हैं, समझ गए। जैसे तेजाजी पशु मेले में नागौरी बैल फेमस है, तो इतना चारा कहाँ से लेके चलें, लेके चलें तो फिर कॉस्ट आती है, तो चूंकि श्रावण के अंदर बारिश होती है तो उग जाते हैं हर जगह। और पूर्णिमा पे क्यों, क्योंकि पूर्णिमा पे ऑटोमेटिक वही पूर्णिमा फुल मून होता है तो आकाश में ऑटोमेटिक रोशनी होती है, आपको लाइट वाइट की देखने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे बैल किधर गए, अरे वो बैल पकड़ के लपक ला उनको ऐसे, तो उजाला है धरती माँ, बारिश के कारण काफी हरियाली हुई रहती है कि नहीं है, हरियाली में अमावस्या अभी गई है तो काफी वन भी काफी है ऐसे, मतलब घास फूस उग जाती है, वनस्पति काफी हो जाती है, तो उसको वो पशु खा के और सफर अपना तय कर लेते हैं मेले का ऐसे, समझ गए। तो ये हो गए। फिर अपन देखते हैं श्रावण के महीने में, देखो वन सोमवार, श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार वन सोमवार कहलाता है, ठीक है, चार आएंगे। फिर अपन देखते हैं मंगलागौरी पूजन, मंगलागौरी श्रावण के प्रथम मंगलवार को, पहले मंगलवार, हर मंगलवार को पहले मंगलवार को मंगलागौरी पूजन होता है, मंगल मंगल से मंगलवार। फिर श्रावण का अंतिम जो सोमवार है उसको वीरपुरी का मेला भरता है अपने मंडोर जोधपुर के अंदर, है ना, वीर आए डोर से, डोर मतलब मंडोर, ये वही है जहां अपन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल देखते हैं, साल मंडोर में मंदिर जूनागढ़ बीकानेर, है ना, वीरपुरी डोर से आए अपने जोधपुर के अंदर मंडोर, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसमें क्या देखा अपने, वन सोमवार मंगला, वन तो सोमवार तो वन है, वन सोमवार, मंगलवार कौन सा है अपने मंगलागौरी पूजन, ठीक है, और श्रावण का जो अंतिम सोमवार है उसको पूजा होती वीरपुरी की पूजा का मंडोर में। तो सोमवार से दो हो गए, तो प्रथम सोमवार वन सोमवार, मतलब वन सोमवार मतलब श्रावण का प्रत्येक जो सोमवार है वो वन सोमवार, ठीक है, और श्रावण का अंतिम सोमवार वो वीरपुरी की पूजा, ठीक है ना, मतलब चार सोमवार, तो चारों सोमवार ये होगा कि वन सोमवार, श्रावण का प्रत्येक सोमवार तो क्या कहलाएगा वन सोमवार, लेकिन श्रावण का जो अंतिम सोमवार है उस दिन होगी वीरपुरी की पूजा, अंतिम दिन वीरपुरी की पूजा, और मंगलागौरी पूजन पहले मंगलवार को केवल, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे अपना ही, ठीक। तो ये अपने ये श्रावण के बारे में था, ये पूरी शीट थी एक ऐसे है नटशैल में, कोई ज्यादा ऐसे कोई कलिष्ट नहीं थी, एक बार सुपर माइक्रो में देखते हैं इसका दर्शन करते हैं कैसे दिखती है सुपर माइक्रो में। आओ देखो सुपर माइक्रो के अंदर अपन देख लेते हैं ये अपने श्रावण। तो कृष्ण पक्ष में तो जैसे अपन ने देखा ही था वस चतुर्थी है, नाग पंचमी, निडर नवमी, नेवला नवमी और हरियाली अमावस्या, ठीक है, हरियाली अमावस्या पे जो जो अपने मेले थे
वो अपन ने देख लेते हैं, बूढ़ा जोड़ मेला, ठीक है, डिग्गी मेला, टोंक, फतेह, उदयपुर, बिजोलिया किसान आंदोलन, अपने ऊपरमाल, पंचबोर्ड, भीलवाड़ा और कल्पवृक्ष, अपने मांगलेवास, विशाखा, अजमेर। फिर इधर देख लेते हैं अपन शुक्ल पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर क्या आया था, सिंजारा दूज, ठीक है, पढ़ना कैसे, सिंजारा दूज, सिंजारा मैंने बताया क्या, तीज क्या है, तृतीया है, तो कब आती है ये छोटी तीज, श्रावणी तीज, SST, श्रावण शुक्ल तृतीया, और एक एस और लगा तो वो जगह स्मॉल, S4 श्रावण, S4 स्मॉल, SST, ठीक है। और इसी को अपन बोलेंगे हिंडोला तीज, श्रृंगारी तीज, प्रसिद्ध तीज, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, एकादशी को आई, यहां देखो यहां सही किया हुआ, एकादशी को है अर्पण, पवित्र अर्पण एकादशी, वहां द्वादशी काट देना, और इसमें अपने मीरा महोत्सव, मीरा मंदिर, मीरा महोत्सव, ठीक है ना, मीरा पर्व और चार भुजानाथ पर्व अपने मेड़ता सिटी नागौर, आप ऐड कर लेना। फिर 15 15 को पुण्यु आ गई, 15 को क्या, रक्षा पुण्यु है, नारियल पुण्यु है, फिर अपने श्रवण पुण्यु और सत्य पुण्यु ऐसे, और फिर इसी पे ही क्या है, जैसे अपने आगे ना सर, रक्षा पुण्यु, श्रवण पुण्यु, तो पशु मिले कौन से, तेजा पशु मिला और गुगा पशु मिला, तेजा पशु मिला कौन सा, बीच वाला है आय की दृष्टि से, तो वो कहां से, SP2B है, श्रवण पूर्णिमा टू भादवा अमावस्या, और सबसे लंबे अभी तक तो चलने वाला ऊपर वाला, सबसे ऊपर कौन सा, गुगा जी, वो नोरगढ़ हनुमानगढ़, वो क्या, SP2 BP, पूर्णिमा टू पूर्णिमा, SP2 BP, पीपी दोनों में आ रहा है, पी और पी, पूर्णिमा, श्रवण पूर्णिमा से बाद में पूर्णिमा ऐसे, ठीक है। और वहां पूर्णिमा को और के लिए, हाँ वो अमरनाथ यात्रा वाला यहाँ खत्म हो रही है, श्रवण पूर्णिमा जो शुरू हुई थी आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है, आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को शुरू हुई, तो करीबन कितने दिन चली, 11 दिन तो हो गए अपने उधर आषाढ़ के, ठीक है, 15 दिन अपने कृष्ण पक्ष के, ठीक है, तो 11 और 15 कितने हो गए अपने, 26, और इधर 15 दिन ये, तो 25 और 15 40 हो गए, 41 दिन अमरनाथ यात्रा चली, ठीक है। और अमरनाथ यात्रा से एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये कराता कौन है अमरनाथ यात्रा, अपने गृह मंत्रालय करवाता है, होम मिनिस्ट्री, और जो मानसरोवर झील यात्रा होती है ना अपने, वो कराता है विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानसरोवर झील, क्योंकि वो दूसरे देश में जाना पड़ता है तिब्बत के अंदर, चाइनीज बॉर्डर पार करके, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ना वो विदेश मंत्रालय कराता है, और अमरनाथ यात्रा, तो अमरनाथ यात्रा तो अपने यही है, पहलगाम कश्मीर के अंदर, आ तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसको पहलगाम जिले के अंदर है, ये रूट देखना एक बार इसका, अच्छा आता है उस समय न्यूज में सारा रूट आता है, 12 दो रूट है, एक तो 12 रूट है, एक अपने पहलगामों के रूट है ना, ठीक है। तो सुपर माइक्रो में अपन ने देख लिया, और देखो इसका रिवीजन करो, देखो एकमात्र तरीका रिवीजन है, और मैं बता रहा हूँ जैसे रिवीजन करो थोड़ा फील लोगे ना तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप याद होगा ऐसे, बहुत मतलब क्रीम क्वेश्चन होता है ये, तो समझ गए। तो ये अपने श्रावण था, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे भादवा, ठीक है, भादवा सबसे पवित्र महीना है, सबसे ज्यादा त्योहार भी इसी में ही आएंगे, लेकिन बहुत ईजी है, एक इसमें क्या बता रहा हूँ, चलो इसमें जब चालू करेंगे तभी बताएंगे, अभी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ये सुपर माइक्रो में मेन फाइल तो अपने उधर है, ठीक है। तो ये अपने साउंड वाले हैं, रिवीजन करो क्ल्यू के साथ, इमेज बनाओ, सारा याद हो जाएगा, नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं अपने भादवा महीना, ओके। भादवा महीने से क्या हो जाएगा, जैसे पहली छीमाई खत्म हो जाएगी, पहली छीमाई क्या देखा, मैं चैत्र से शुरू होकर भादवा तक थी ना, और पहली छीमाई में ही है जो है, ठीक है, देखते हैं अगली फाइल में, ओके। हेलो।